मैं जा रहा हूँ अभी आगरा कैंट अपने चाचा के पास, और वहां से मैं जाऊंगा फिर उसके बाद जयपुर। तो दोस्तों चलिए चलते हैं मेरे साथ मेरी इस नई ट्रिप पर, जहाँ जहाँ पर मैं जितना भी कुछ देखूंगा आप सभी को सब कुछ दिखाऊंगा। तो मैं आ गया हूँ अभी फतेहपुर के रेलवे स्टेशन पे, जहाँ से मुझे ट्रेन मिलेगी आगरा कैंट के लिए। तो अभी मैं वेट कर रहा हूँ, अभी टाइम हुआ है 12:00, अभी टाइम हुआ है 12:35 पर मेरी ट्रेन आ जाएगी। तो अभी देखिए मैं उसका वेट कर रहा हूँ। 4 बजे मैं चाचा के रूम पर गया और अब मैं अपने चाचा को लेकर ताजमहल देखने जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स मैं इस समय पहुंच गया हूं ताजमहल के मेन एंट्री गेट पर, और आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि अगर ताजमहल का एंट्री गेट ही इतना आलीशान है तो ताजमहल कितना आलीशान होगा। दोस्तों यहां पर कई प्रकार की नक्काशी की गई है इस ताजमहल के मेन एंट्री गेट पर, और यहां के जो कारीगर हैं, मेरा मन करता है कि मैं उनको दिल से सलाम कर लूं। यहां की नक्काशियों ने मुझे मनमोहित बना दिया है, और आप लोग देख सकते हैं कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने दिखाया आपको ताजमहल का एक आउटव्यू। यह है दोस्तों यहाँ का मेन एंट्री गेट की नक्काशियाँ। तो फ्रेंड्स यह है द ताज ऑफ आगरा। दोस्तों ये ताजमहल 7वें अजूबों में से एक अजूबा भी है, और यह है ताजमहल के अगल बगल स्थित कुछ इमारतें। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कुछ भी है सब कुछ सिमेट्रिकल है, जिसमें हमारा ताजमहल सेंटर पर आता है, दो इमारतें इसके दाई साइड और दो इमारतें इसके बाई साइड। फ्रेंड्स यहाँ पर एनवायरनमेंट का भी बहुत ध्यान रखा गया है, यहाँ पर कई सारी पेड़ पौधे भी लगाए गए हैं। और फ्रेंड्स ये हैं मैं और मेरे चाचा जी ताजमहल का इंजॉय कर रहे हैं ताजमहल पे। और फ्रेंड्स ये है ताजमहल का एक बहुत ही क्लोजेस्ट व्यू। फ्रेंड्स यहाँ पर हजारों की संख्या में भीड़ आई है केवल द ताज को देखने के लिए, और इसमें बहुत सारे पीपल्स जो हैं वो फॉरेन के हैं। फ्रेंड्स ये है ताजमहल में स्थित कुछ हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स की, जिनमें से कई सारे हमारे टेंपल्स हैं और कई सारी हमारी बिल्डिंग्स हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे टेंपल्स की तस्वीरें दिखाई गई हैं, जिनमें से कई सारे टेंपल आगरा के हैं, बहुत सारे टेंपल्स उनमें साउथ के भी हैं। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर, और फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर कई सारी स्टैचूज की भी फ़ोटो हैं, कई सारी इमारतों की भी फ़ोटो हैं, जो कि बहुत ही हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स हैं, बहुत ही पुरानी इमारतें हैं, कई सारे मंदिर हैं इसमें, और जितने भी ज़्यादातर मंदिर हैं वो सभी साउथ के मंदिर हैं। इसमें गौतम बुद्ध जी की भी बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियों की तस्वीरें हैं। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं आगे आगे होता है क्या। तो फ्रेंड्स मेरा जो अभी मैंने बहुत ही सारे मोन्यूमेंट्स देखे, और जो मेरा आज का टूर है ताजमहल का वहीं पर ख़त्म होता है, और आज है मेरी शाम की। तो फ्रेंड्स फाइनली पहुंच गया हूँ जयपुर, और अब मैं पहुंच गया हूँ जयपुर के जीटी मॉल। तो चलिए करते हैं यहाँ पर चिल आउट। आप लोग देख सकते हैं कि मेरे चाचा जी कर रहे हैं स्काई वॉक पर इंजॉय, और इनके रिएक्शंस देख के मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा है। लगता है उड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अरे और फ्रेंड्स अब मैं कर रहा हूं स्काई वॉक को एंजॉय, आप लोग देख सकते हैं मेरे रिएक्शंस को। और फ्रेंड्स ये गेम करते हुए मुझे बहुत ही डर लगा, क्योंकि इसमें आपको बहुत ही हाइट से कूदना पड़ता है, बहुत ही सारे एडवेंचर्स करने पड़ते हैं, आप लोग उसमें फ्रेंड्स मैंने स्काई वॉक में फुल एंजॉय किया और मुझे इसमें बहुत ही मजा आ रहा है। इस समय मुझे लगता है मेरे आगे एक मॉन्स्टर आ गया। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, और मैं मिलता हूँ आपसे कल सुबह। सो थैंक यू वेरी मच।
सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, और मैं जा रहा हूँ अपने चाचा के साथ आमेर फोर्ट। तो आप लोग देख सकते हैं कि आमेर फोर्ट का आउटर व्यू हमको दिखने लगा है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं आमेर फोर्ट कैसा खिलवाड़ कर रहा हूँ। और ये है मेरी और मेरे चाचा जी की कुछ तस्वीरें, मैं आपसे साझा करता हूँ। यहाँ का नज़ारा बहुत ही अच्छा है और इसने मेरे मन को मोहित कर लिया है अपने इस नज़ारे से। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का म्यूज़िक। यहाँ और ये है दोस्तों वहाँ की चित्रकारी के लिए सेकंड ब्लॉक, बहुत ही केयरफुल लगाना होता है, कौन से द्वारा चित्रकारी के बाद ब्लॉक होता है, थोड़ा सा भी ब्लॉक किधर किधर हुआ पूरा वीडियो जाएगा। ये प्रिंटिंग हो गया सर, और ये है वहाँ का फेमस पपेट शो। आप लोग और फ्रेंड्स ये है सिटी फेयर पैलेस का फेमस पपेट शो चला है। फ्रेंड्स मैं एंटर कर चुका हूँ सिटी पैलेस के अंदर, तो चलिए चलते हैं देखते हैं यहाँ पर भी क्या क्या है। यहाँ पर कुछ तस्वीरें हैं वहाँ के राजाओं के बारे में, और मैं मेरे चाचा जी फुल एंजॉय कर रहे हैं सिटी पैलेस का। फ्रेंड्स मैं पहुंच चुका हूं इस समय पुनो ट्रैम्पोलिन पार्क, और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैं कितना मजा कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मेरे 1330 रुपए इसमें घुस चुके हैं और मैं कर रहा हूँ अपने सभी चाचा लोगों के साथ एंजॉय। और यहाँ पर होगा मेरे और मेरे चाचा के बीच में एक महासंग्राम, देखते हैं कौन जीतता है कौन हारता है। अरे गैस में तो मैं ही हार गया, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पर बनते हैं फॉर्म के कुछ ट्यूब जिनसे हमें कोई भी हार्म नहीं हुआ है। तो चलिए चलते हैं देखते हैं ये अगला रोलिंग जो झूला है इसमें हम लोग ट्राई करते हैं। अरे यहाँ पर डांस भी कर रहा हूँ, और अब ये है ये साइकिल स्टंट, और मुझको कर रहे हैं मेरे चाचा जी अप्रिशिएट, और मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा है। और तेज पैंडल मारो, पैंडल मारो, ले जाओ ले जाओ ले जाओ, वाह बहुत बढ़िया, और तेज पैंडल, और तेज, वाह बेहतरीन, मजा आ रहा है बस। और फ्रेंड्स मैं हूँ इस समय कर रहा हूँ रोलर में। तो फ्रेंड्स अब मैं और मेरे दोनों चाचा कर रहे हैं क्लाइंबिंग एडवेंचर गेम, तो देखते हैं इसमें कौन जीतता है। और अभी मेरे बड़े वाले चाचा तो अभी नीचे ही हैं, और कुलदीप चाचा बहुत ही रफ्तार के साथ चढ़ते जा रहे हैं मेरे, और उन्होंने तो अभी बेल भी रिंग कर दी है और वो जीत गए हैं इस रेस को। तो फ्रेंड्स मेरा जो पूनो का टूर था वो यहीं पर ख़त्म होता है, अब हम लोग चल रहे हैं चौकीधानी। तो फ्रेंड्स फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ चौकी धानी, जहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा नज़ारा है। और यहाँ पर 1000 रुपीज़ पर पर्सन टिकट लगा हुआ है। यहाँ का नज़ारा पूरा गांव से एक जुड़ा हुआ बनाया गया है। यहाँ की जो डिज़ाइंस है वो पूरी ट्रेडिशनल कल्चर्स की ओर दर्शाती हैं। और देखते हैं यहाँ पर और क्या क्या चीज़ें हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पर मिला है हम लोगों को फूड, और हम लोग यहाँ पर चाहे जितना भी खाना खा सकते हैं, प्लस डांस का भी इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर पूरा ट्रेडिशनल डांस चल रहा है, और जो डांस है इसका नाम है कालबेलिया नृत्य। यहाँ पर कुछ लड़कियाँ आपको डांस दिखा रही हैं, और यहाँ पर आप चाहे जितना मर्जी हो उतना आप डांस कर सकते हैं और फुल इंजॉय कर सकते हैं। आज का टूर होता है मेरा।